अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के दो साइंटिफिक रीजन को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें हम आयनिक हाइड्राइड से रिलेटेड साइंटिफिक रीजन को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए, आज का हमारा जो पहला साइंटिफिक रीजन है वो है आयनिक हाइड्राइड्स आर सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। इसमें कहा जा रहा है जैसे आपने हाइड्राइड्स की जो है वो छह टाइप्स जो है वो डिस्कस की है, हमने रजिस्टर्ड ग्रुप में तमाम टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि आयनिक हाइड्राइड्स जो होते हैं वो सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स क्यों कहा जाता है, क्यों सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स कहलाए जाते हैं, तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स हैव सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टी। सबसे वाजे इसका जवाब कि आयनिक हाइड्राइड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्ट लाइक होती है, नमक की तरह होती है। फॉर एग्जांपल क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, दे आर सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में एंड हैव क्रिस्टल लैटिस, और ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की शक्ल में होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनको मेल्ट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की जो टाइप्स पढ़ते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसमें जो सॉल्ट होते हैं, बहुत से सॉल्ट, सब नहीं, बहुत से सॉल्ट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। पानी के अंदर जो है वो इनका ज्यादातर हिस्सा जो है वो आयंस में टूट जाता है, तो ये भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ड्यू टू दिस रीजन आयनिक हाइड्राइड्स आर नोन एज सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। तो हमने कहा इस सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टी की बेस पर हम कहते हैं कि आयनिक हाइड्राइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये जो होते हैं वो सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स कहा जाता है। अब दूसरा साइंटिफिक रीजन जो आज की इस वीडियो में है वो भी आयनिक हाइड्राइड्स से रिलेटेड है। आयनिक हाइड्राइड्स आर ट्रू हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स को ट्रू हाइड्राइड्स क्यों कहा जाता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। अब देखिए भाई, इस रीजन को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाइड्राइड्स जो हैं, आयनिक हाइड्राइड्स और ट्रू हाइड्राइड्स क्यों कहा जाता है। देखिए भाई, हाइड्राइड्स जो है ये वर्ड यूज होता है हाइड्राइड आयन से निकला, हाइड्राइड का जो वर्ड निकला वो किससे निकला, हाइड्राइड आयन से। और हाइड्राइड आयन तब कहते हैं जब हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आता है, यानी हाइड्रोजन किसी का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करे। हाइड्रोजन जब किसी का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब इसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अब हाइड्रोजन जो ज्यादातर चीजों के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ज्यादातर मामलात के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज ही आता है। और हाइड्रोजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये हाइड्राइड नहीं कहलाता, ये हाइड्रोजन आयन कहलाता, या सिंपल प्रोटोन भी कह सकते हैं। लेकिन हाइड्राइड का वर्ड हम तब यूज करते हैं, हाइड्राइड का वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आए। अब देखते हैं आयनिक हाइड्राइड को, आयनिक हाइड्राइड को हम ट्रू हाइड्राइड क्यों कहते हैं। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। अल्कली यानी ग्रुप 1A वाले एलिमेंट्स जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम के आते हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2A की बात हो रही है, आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। ये क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जब किसी चीज के साथ रिएक्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। इसीलिए हम कहते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। देयरफॉर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक हाइड्राइड, जब भी आयनिक हाइड्राइड बनता है, व्हेन दे कंबाइन विद हाइड्रोजन, क्या होते हैं ये, हाइड्रोजन के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। मिसाल के तौर पर जो है ग्रुप 1A वाला मैंने ले लिया सोडियम और इसको मैंने रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन के साथ। अब जैसे ही वो रिएक्ट होता है तो ये बनता है सोडियम हाइड्राइड, क्या बनता है, सोडियम हाइड्राइड। इसमें क्या होता है, सोडियम के जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन ले लेता, हाइड्रोजन ले लेता, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता और सोडियम के ऊपर जो है वो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। लिहाजा कौन सा आयन बना है, ये पॉजिटिव तो नहीं आया ना, नेगेटिव बना, हाइड्राइड आयन बना ना। ओके, तो अब देखो भाई, हमने कहा देयरफॉर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड की फॉर्मेशन के दौरान, व्हेन दे कंबाइन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, व्हिच इज रिसीव्ड बाय हाइड्रोजन फॉर्मिंग हाइड्राइड आयन। और ये कौन रिसीव कर लेता है, हाइड्रोजन जो होता है उसे रिसीव कर लेता है और क्या बनता है, हाइड्राइड आयन। सिंस ओनली इन आयनिक हाइड्राइड, लिहाजा क्या होता है, ऐसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, आयनिक हाइड्राइड में ही होता है।
हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन हाइड्राटाइन हाइड्राइड फॉर्म. देखो ये हाइड्राटाइन यही है ना, माइनस आना चाहिए. अब ये जितनी भी 6 टाइप्स है ना, उन 6 टाइप्स के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज ही आ रहा होता है. सिर्फ आयनिक हाइड्राइड वाली सिचुएशन में ही, क्योंकि ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, लिहाजा सिर्फ आयनिक हाइड्राइड वाली सिचुएशन में ही इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. तो हमने कहा सिंस ओनली इन आयनिक हाइड्राइड हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन हाइड्राइड फॉर्म, सिर्फ आयनिक हाइड्राइड के साथ ही ये हाइड्राइड वाले फॉर्म में होता है. नन ऑफ द अदर आयनिक बाइनरी कंपाउंड कंटेन, नन ऑफ द अदर आयनिक हटा दो, नन ऑफ द, ये मिसप्रिंट है, नन ऑफ द अदर बाइनरी कंपाउंड कंटेन एच हाइड्राइड आयन. ड्यू टू दिस रीजन आयनिक हाइड्राइड्स आर कॉल्ड ट्रू हाइड्राइड्स. इस रीजन की वजह पर जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रू हाइड्राइड्स कहते हैं. तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से जो है वो आपको फायदा हुआ होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद साइंटिफिक रीजन को डिस्कस करने जाएंगे, तो उन लेक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.